सिंधी कढ़ी बनाने के लिए सबसे पहले हमने कढ़ाई में तेल ले लिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे जीरा, मस्टर्ड, मेथी दाना, बैंगन, आलू, गोभी, भिंडी, ग्वारफली और इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। अब इसमें ऐड करेंगे नमक, हल्दी और इसे पकने के लिए कम से कम 5-10 मिनट के लिए रख देंगे। अब ये पक के हमारी सब्जियां तैयार हैं। अब दूसरे पैन में हम थोड़ा तेल गरम करेंगे। इसमें ऐड करेंगे 1 कटोरी बेसन और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे थोड़ा गोल्डन होने तक हमें भूनना है। अब इसमें ऐड करेंगे पानी। अगर आपके पास अरहर की दाल है तो आप उसे ऐड कर सकते हैं, ऑप्शनल है ये। अब ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब इसमें जो हमने वेजिटेबल्स तैयार करके रखी थी वो ऐड करेंगे, इमली का पानी और इसे करीब 5-10 मिनट तक पकने के लिए रख देंगे। अभी आपकी सिंधी कढ़ी बनके तैयार है। सांभर बनाने के लिए सबसे पहले हमने 1 कटोरी अरहर की दाल ली है। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे और इसे करीबन 1/2 घंटे के लिए भिगा के रख देंगे। अब इस दाल को हम कुकर में शिफ्ट करेंगे। अब ऐड करेंगे 1 ग्लास पानी, कटा हुआ घिया, कटे हुए गाजर, कटे हुए बैंगन, फलियां, नमक स्वाद अनुसार और हल्दी। अब कुकर को हम बंद करके 2-3 सीटी आने तक रख देंगे। अब एक कढ़ाई में हम तेल गरम कर लेंगे। इसमें ऐड करेंगे राई, जीरा, हींग और कटे हुए प्याज। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे गोल्डन होने तक अच्छी तरह से भूनेंगे। अब ऐड करेंगे 1 कटी हुई हरी मिर्च, कड़ी पत्ते और ग्रेट किए हुए टमाटर। अब ऐड करेंगे कसूरी मेथी, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला। अब ऐड करेंगे 2 चम्मच सांभर मसाला और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इस मसाले में हम ऐड करेंगे हमारी उबली हुई दाल और सब्जियां और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और हम लास्ट में ऐड करेंगे इमली का पानी और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके कम से कम 2-3 उबाल आने तक पकाते रहेंगे। और ये आपका स्वादिष्ट सांभर बनके तैयार है।